में एक राजस्थानी नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। का मैं बंद कर रखूंगी, ओ, 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 ओ।
My name is Diksha from Sastri School. I did in 6th class. मैं आपको एक पोएम सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है मछली जल की रानी। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी, हाँ लगाओ दर जाएगी, बाहर निकालो मछली। Oh,
ना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। स्टूडेंट इन कॉमर्स, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। न जाने इस दुनिया ने मुझे कैसी कैसी दिखलाई, कभी हार गए तो कभी अग्नि ने परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सत्युग हो, इंजाम मुझे पर आता है। न जाने इन गलियों में चलने से मेरा मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, अकेले करती हूँ। साम्राज्य बढ़ता है तो कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। न जाने ये किसका साया है, न जाने ये किसका साया है, न जाने ये किसकी आहट है। नारी के सम्मान को लेकर तान तान सा कर डाला, फिर मर्यादा के आंचल को तान तान सा कर डाला। तो भारतवासियों, ये प्रण लो और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो। हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अपना भावे। हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, हर रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में। अरे आला बनाओ नादान बनाओ, अरे आला बनाओ नादान बनाओ। मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो, मैं सूती बादल मैल बनी ने क्यों जगानियो। सावणियों बह जावे
सदा जग मने थारी आवे जो दाने गयो ए नादान बनिए जो दाने गयो ए नादान बनिए तन पहनने की चतराई बनी मैं मोजरी लायो ए तन पहनने की चतराई बनी मैं जूती लायो ए अरे ओला बनाओ नादान बनाओ अरे ओला बनाओ नादान बनाओ मैं सूती बादल मैल बनी मैं क्यों जगाणियो मैं सूती बादल मैल बनी मैं क्यों जगाणियो My name is Mohammad Shishan, I am class 10th और मैं आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताऊंगा। डिजिटल इंडिया वह प्लेटफॉर्म है जो देश को एक डिजिटल देश में बदलती है और भारत को एक नया रूप प्रदान करती है। सरकार के अनुसार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 18 लाख नौकरियां प्रदान करेगा। डिजिटल इंडिया इस देश को डिजिटल रूप से सतत देश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्यवाही को कम करके भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवा प्रदान करना है। ये बहुत प्रभावी और कुशल तकनीक है जो समय के साथ मानव शक्ति को काफी हद तक बचाएगी। तो ये एक कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टाटा ग्रुप के चेयरमैन आयरश मिस्त्री आईपीएल के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी और अजीम प्रेम जी आदि दिग्गजों की उपस्थितियों में जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान के रूप में शुरू किया। देश को डिजिटल रूप से विकसित करने के लिए देश के आईटी संस्था में सुधार करने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान की विभिन्न योजनाएं जैसे डिजिटल रोलर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पॉइंट ई स्वास्थ्य ई शिक्षा ई लाइफ आदि करके इस कार्यक्रम का आवरण किया। धन्यवाद। घर पे रहिए सुरक्षित रहिए हम इसके से।
तुझे विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वी आर परफॉर्मिंग ऑन ड्रामा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पूजा, अरे ओ पूजा, कहाँ मर गई ये लड़की, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं, अभी जाकर देखती हूँ कहाँ पर है ये लड़की। तू यहाँ पर है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ आई हूँ, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? नहीं माँ, मैं बस आ ही रही थी, कल मेरी परीक्षा इसलिए मैं याद कर रही थी। परीक्षा और ये घर का काम ये कौन करेगा, और वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी। चल जा, अभी जाके झाड़ू निकाल और मेरे लिए चाय बना के ले आना। ठीक है माँ। हाँ
ये कैसे चाय बनाई है? इसमें ना ही तो कोई चीनी है और ना ही कोई दूध। हे भगवान, इस लड़की से तो मेरा सिर फटा जा रहा है। माँ, मैंने सारा काम कर लिया, मैं पढ़ने जाऊँ? क्या करेगी? पढ़ लिख कर तू, मैं आपका और देश का नाम रोशन करूंगी। देश का नाम रोशन और वंश का नाम केवल लड़के आगे बढ़ाते हैं, ना कि लड़कियां। और वैसे अभी पढ़ लिख कर क्या करेगी? आगे जाके चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा ना। चल जा, अभी जाके कपड़े धो ले। ठीक है माँ। कौन है? चिट्ठी। जल्दी आओ जल्दी। किसकी चिट्ठी है? मुझे नहीं पता, जरा ये पढ़ के तो बता दीजिए क्या लिखा हुआ। मुझे लेट हो रही, मुझे आगे और भी चिट्ठियां बांटनी है। अच्छा ठीक है, किससे पढ़वाऊं ये चिट्ठी? समझ में नहीं आता, मुझे तो खुद को भी पढ़ना नहीं था। बहन जी जरा सुनिए, जरा ये चिट्ठी पढ़ के बताइए ना इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें तो कुछ अजीब सा लिखा है, जरा पढ़ने की कोशिश। अरे तो कुछ काम है, पढ़ के तो जाइए। अब किससे पढ़ाऊंगी, मुझे खुद को भी नहीं पढ़ना आता। हे भगवान। हाँ पूजा, पूजा को थोड़ा बहुत पढ़ना आता ना। पूजा, पूजा। हाँ माँ। जरा तुझे थोड़ा बहुत पढ़ना आता है ना, जरा ये पढ़ के बताना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये चिट्ठी माँ नानी के घर से आई है। क्या? ये चिट्ठी नानी के घर से आई है, इसमें वह कह रहे हैं वे बहुत ही खुश है और वह हमें सबको याद कर रहे हैं और गर्मियों की छुट्टी में हमें वहाँ बुला रहे हैं। अच्छा, ओ चलो अब मुझे पता चल गया है बेटी की पढ़ने पढ़ने लिखने से कितना फायदा होता है। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बेटी अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी पढ़ने से। क्या माँ मुझे पढ़ने दोगी? हाँ बेटी जरूर, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी और अपने पैरों पे खड़ी करवाऊंगी। अच्छा माँ, जैसा कि आपने देखा कि हमारे समाज में लड़कियों को लेकर कैसी बुरी हीन भावना रखी जाती है उनकी पढ़ाई को लेकर, और उनको शिक्षा का अवसर भी नहीं दिया जाता है, और लड़कियों को पैदा होने से पहले उन्हें गर्भ में मार दिया जाता है, अगर वो किसी तरह पैदा भी हो जाती है तो उन्हें आगे पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता, और हमारे देश का लिंगानुपात बिगड़ता ही जा रहा है और साक्षरता दर भी कम होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने इसको देखते हुए एक योजना चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे हमारे समाज की साक्षरता दर भी बढ़ सके और स्त्रियां भी शिक्षित हो सके। इसीलिए आप भी, आप हम दोनों की आपसे निवेदन है कि आप भी अपनी बेटियों को जितना हो सके उतना पढ़ाएं और अपने पैरों पर खड़ा करें। और कोरोना वायरस चल रहा है, इसलिए स्टे होम स्टे सेफ। नमस्ते, मेरा नाम पवन मोदी है, मैं नाकापुर स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं एक पोएम सुनना चाहता हूँ। जोनी जोनी यस पापा आई थिंक सुगर नो पापा डेलिंग नाइन नो पापा ऊपर न्याओ हा। I'm
चल टुकड़ा ने तेरी ननक तेरे शो क्या बात है ने तेरा काजल करता है पागल हिप्नोटाइज करे जख्म क्या बात है तेरे लग तो लग तो कराची दी फैन मारी जानी है बुगाती दी दिल करी तेरे नाल बनी है माँ तेरे जिस्म की खुशबू लाची दी तेरी अख ते तो नक ते तो माशाल्लाह
रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्थी टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, आई एम रोहित अग्रवाल ऑफ क्लास 10. टूडे आई एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन कोरोना वायरस COVID-19. कोरोना इज़ ए वायरस, इट इज़ ए न्यू वायरस. कोरोना वायरस इज ए इन्फेक्शन, इट इज़ ए फैटल डिजीज. पीपल गेट COVID-19 डिजीज ड्यू टू इट्स इन्फेक्शन. इट इज़ काउज्ड बाई सोशलाइजिंग. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन वुहान चाइना, बट नाउ दिस वायरस हैज़ स्प्रेड to almost all the countries of the world. It has killed millions of people in the world. Its common signs are cough, flu and fever. This virus spreads from one person to another. Coronavirus patients are kept lonely. Kindly, I request to you that we should sanitize our hands regularly to be safe from disease. From its disease, mouth should be covered with tissue paper while coughing. Thank you. Big and round
एंड रेड देन आई वर्क फर्स्ट वर्कअप इन माई बेड आई कैन सी द मून बिग एंड फैट एंड वाइट when I go to bed at night. We'll be right back.
छोले पर बने
प्यारे चोले पर बंगड़ी ना बोले
नगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाए उत्तर गंगा सिंधे हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल के तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है।